असलम माई यूट्यूब फैमिली कैसे हैं सब जी वेयर्स आज जो है ना मैं कल रात को गई हुई थी पास ही हमारे घर के पास ही बाजार है वहाँ पर गई हुई थी कोई छोटा मोटा काम हो तो हम लोग उधर चले जाते हैं तो दुपट्टे वगैरह पी के कराने हो या कोई भी छोटी मोटी कोई चीज़ें लेनी हो तो उधर चले जाते हैं तो मैं कल गई हुई थी वहाँ पर रात को और जी मैं आपको भी दिखाती हूँ ली तो मैंने बस थोड़ी बहुत चीजें थी जो घर में खत्म हुई थी मामूली सी लेकिन मैं आपको दिखाती मैंने क्या क्या लिया और बहुत जरूरी चीजें थी और फिर जहां पे कॉस्मेटिक मुझे शॉप नजर आ जाए तो वहां पर तो मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जाता मैं ना चाहते हुए भी वहां से कोई ना कोई चीज ले ही आती हूँ तो जनाब आज दिखाती हूँ मैं आपको अपनी शॉपिंग और आपके साथ इसके साथ ही आज बड़ी ही मजेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी वो है दाल माश फ्राई दाल जो होती है ना धाबा स्टाइल की वो वाली तो वो बहुत मजेदार रेसिपी बनती है साथ में मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ और स्टार्ट करते हैं चलो जी व्यर्ज मैं आपके साथ अपनी थोड़ी सी शॉपिंग जो है ना वो शेयर करती हूँ तो ये देखे जी एक ये जो छोटा सा बैग था ना ये मुझे बहुत पसंद आ गया था चुन्ना मुन्ना सा क्यूट सा बैग था तो मैंने कहा ये तहरीम के लिए ले लेती हूँ तो वो ना किसी टाइम जाना था उसने बाहर तो छोटा सा बैग ले आई थी और साथ में जी ये कॉस्मेटिक्स कॉस्मेटिक कुछ चीज जो चीज मुझे पसंद आ जाए तो वो तो मैंने ले के आनी होती है बाकी चीजें जिनका सोच के जाती हूँ ये लेना है तो वो इतनी नहीं आती जितनी <laughs> दूसरी चीज़ आ जाती है तो ये लिपस्टिक का कलर चेक करें कितना प्यारा कलर है ना ये ज्यादा डार्क कलर है और ना ये ज्यादा लाइट कलर है और ना मुझे ज्यादातर ये रेडिश किस्म के जो कलर होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे लगते हैं तो इसके बाद ये हमारा मस्कारा है उधर उन्होंने तो मुझे बताया था कि ये थर्टी सिक्स आर वर्क करता है लेकिन जनाब अब इसको हम लोग ट्राई करेंगे तो पता चलना है कि ये कितना फायदेमंद है और ये जी लाइनर है ये भी थर्टी सिक्स आर उन्होंने कहा था कि ये लगा रहता है लेकिन अब इसको भी हम जनाना चला के चेक करेंगे तो मतलब कि यूज करके पता चलता है चीजें कैसी होती हैं गारंटियां तो हर कोई बढ़ा देता है और की चीजें तो इतनी फेक आती हैं इतनी फेक आती हैं कि उनका ना कोई भरोसा ही नहीं होता है कि वो सही निकलनी है कि नहीं तो बेहतर ये होता है असल शॉप से जाके लें वो चीजें चाहे महंगी आ जाए लेकिन असल शॉप से लें और ये जी कुछ मुझे घर के लिए डिशेज चाहिए थी ये मैंने ली और सान में जी आप जो ड्राई फ्रूट का मौसम आ रहा है तो ये मुझे चलते फिरते ये नजर आ गई थी ट्रे तो ये मैंने लिए और की बोतल वगैरह खत्म हुई हुई थी खराब हुई हुई थी खत्म तो नहीं हुई थी खराब हुई थी तो उनको चेंज करना था और ये जी देखे ये जो यूट्यूब भी आ गया मेरे पास <laughs> ये यूट्यूब का जो है ना कब ये मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने कहा इसमें कॉफी एंजॉय करेंगे बनाएंगे तो आपके साथ कॉफी की रेसिपी भी शेयर करूंगी तो इस कप में हम बनाएंगे कॉफी की रेसिपी इसके अलावा चलते, चलते फिरते मुझे ये भी एक ये जो है इिंग्स भी पसंद आ जी आस मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ दाल माश की रेसिपी है ये इस रेसिपी से आप बनायेंगे तो एक दफा ट्राई करें बहुत अच्छी बनती है तो दाल माश है मैंने एक घंटा इसको भिगो के रख दिया था फिर इसको मैंने प्रेशर में डाल के इसको हाफ बॉइल कर लिया यानी कि इसको मुकम्मल आपने बॉइलिंग करना हाफ बॉइल करके इसको रख लेना है अब जिसका जो हम मसाला रेडी करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा हमें दो प्याज लेने हैं और ऑयल जो है घी या ऑयल आप जो भी इसमें यूज करें ना वो थोड़ा सा ज्यादा मकदार में जाएगा इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वरना ये दाल माश है पता नहीं ये क्या होती है ये बहुत ज्यादा घी ऑब्जॉर्ब करती है अपने अंदर तो घी जरा ना इसमें कंजूसी से नहीं आपने डालना जरा खुले दिल से घी डाल देना और जी इसके बाद हमने दो प्याज लिए थे उनको हमने चॉप कर लिया था चॉप करके हमने इनको कलर देना है गोल्डन कलर देना है गोल्डन कलर से होता है इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है पाँच छः मिनट ये कुक हो जाते हैं और टेस्टी भी हो जाते हैं उसके बाद जी हमने जी लेना है हाफ टी स्पून जो है लहसुन का पेस्ट और वन टी अदरक का पेस्ट ये हम इसमें डालेंगे और इनको भी हमने फ्राई कर लेना है तीन मिनट तक और अदरक लहसुन की जो होती है ना वो भी इसका कच्चापन दूर करना बहुत ज़रूरी होता है वरना पूरी जो है ना एंड तक आप हांडी जितनी मर्जी इसको भून लेंगे ना तो इसकी स्मेल नहीं खत्म होती इससे पहले ना आप इसको अच्छे तरीके से भून लिया करें और जी जब ये तीन चार मिनट तक अच्छे तरीके से खुशबू आ जाए इसकी पक जाए तो उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देने हैं टमाटर और टमाटर हमने कितने डालने हैं दो डालने हैं दो टमाटर डाल दें और अगर छोटे साइज के हैं तो तीन डाल दें फिर इन टमाटरों को भी हमने दो तीन मिनट के लिए कुक करना है और बाद में हम इसमें डालेंगे मसाले तो मसालों में जीन नमक डालना है हमने वन टीस्पून, जब मैंने दाल बॉईल की थी तब भी मैंने हाफ टी स्पून उसमें नमक डाला था और इसके बाद सूर्ख मिर्च जो है वन टी और सूखा धनिया जो है वन टेबल और पीसी सुरख मिर्च वन टेबलस्पून जाएगी आप कम ज़्यादा काट सकते हैं और हल्दी हाफ टी स्पून और इसके बाद गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून और थोड़ा सा जीरा पाउडर जाएगा हाफ टी स्पून जनाब अब हम इसको ना अच्छे तरीके से भून लेंगे बुनाई जो है ना इस दाल की ना भुनाई हमने बहुत करनी है फिर ही ये टेस्टी बनती है पहले तो इसके मसाले की हमने बुनाई करनी है अब इसमें जो दाल का बचा हुआ पानी था जिसमें मैंने दाल बॉईल की थी वो मैंने इसमें डाल दिया पानी और इसको मसाले को पकने के लिए रख दिया तकरीबन 10 मिनट तक हम इस मसाले को कुक करेंगे और जब इसका पानी ड्राई होने लगेगा तो इसको 5-10 मिनट के लिए भून लेंगे हम इसको इसके मसाले जो है ना एक जहाँ हो जाए और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए इस तरह हमने भून लेना जब आठ दस मिनट गुजर जाए भूनते हुए इसका ऑयल निकलना शुरू हो जाता फिर इसमें हमने वो हमारी हाफ कुक जो दाल थी हाफ कुक दाल हमने इसमें डाल देनी है और इस दाल को भी हमने दे धना धन दन भुनी जाना भुनी जाना है क्योंकि इसका जो फ्लेवर है ना इस दाल का भूनने से निकलता है पहले हमने इसको पाँच छः मिनट ऐसे ही भून लिया फिर इसमें हमने दही डाला है एक कप दही डालेंगे और फिर दही डालने के बाद भी हमने इसको कोई सात आठ मिनट तक भूनते रहना है भूनते रहना है। क्योंकि अगर ये दाल जो है ना सही तरह इसकी बुनाई नहीं हुई होगी तो कोई फ्लेवर इसका नहीं बनना तो बेहतर है कि इसको अच्छी तरह से बुने तो इस बुनाई करते हुए इसका जो फ्लेम है आपने रखना है मीडियम पे ना लो पे रखना है ना हाई पे रखना है ज़्यादा तो ये देखे जिसका अब दही डाला है पानी उसने छोड़ना है फिर इसको इसलिए फिफ्टी परसेंट हमने दाल गलानी होती है ताकि ये बुनाई के दौरान ट्वेंटी फाइव से थर्टी परसेंट जो है ना बुनाई के दौरान भी ये गल जाती है अब जी ये देखिए गल भी चुकी है दाल अब इसमें मैंने चेक किया था बस थोड़ी सी कसर थी वो इसकी दम में पूरी हो जाएगी अब जी हमने इसमें दो चार घूंट जो है ना पानी के डाल देने हैं और इसको ना थोड़ी देर कवर करके रखेंगे ताकि जो इसका थोड़ा बहुत कच्चापन रह गया था वो भी खत्म हो जाए क्योंकि बुनाई तो हमने इसकी काफी कर दी थी अब देखे जी ये दाल अलग अलग से है इसका एक एक दाना और ये गल भी बहुत अच्छे तरीके से गई है अब इसमें हाफ टी स्पून हमने काली मिर्च डाल देनी है और हाफ टी स्पून हमने गरम मसाला डाल देना और जी इसको ऐसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब इसका जो देखे ऑयल मैंने इसमें इतना डाला था लेकिन ये इतना ऑब्जॉर्ब करती है वो हमने डाल देनी है और फिर इसको एक दो मिनट के लिए ना हम लोग पकाएंगे ताकि इसका भी फ्लेवर आ जाए तो अच्छी ये देखिए ये जनाब हमारी इतनी मजेदार दाल बनती है ना कि दिल करता है कि इस ये चम्मच की मदद से ऐसे ही खा ले रोटी तो दूर की बात है ये टेस्टी बहुत बनती है तो आप जी वियर्स इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करेगा और इंजॉय करें अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक कैसी थी और ये कैसी लग रही थी डिश में पड़ी हुई तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ ही होता है व्यूअर्स मेरे बिलो का एंड अल्लाह हाफिज आप रेसिपी को कर ट्राई करें और इंजॉय करें और इसकी फाइनल लुक चेक करें आप you. <music>